नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। यूएई में जारी टी20 विश्व कप 2021 के बीच में ही इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने टी20 रैंकिंग जारी कर दी है। ताजा रैंकिंग में पाकिस्तान के बल्लेबाजों का दबदबा देखने को मिला है। पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने पूरे टूर्नामेंट में दमदार प्रदर्शन किया है और इसी वजह से पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में फिर से नंबर वन बल्लेबाज बन गए हैं। वहीं टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में नया नंबर वन गेंदबाज भी देखने को मिला है। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बाबर आजम फिर से नंबर वन की कुर्सी हासिल करने में कामयाब रहे हैं। इसके अलावा वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में भी वो विराट कोहली को पीछे छोड़कर नंबर एक बल्लेबाज बने हुए हैं। वहीं टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में वानिंदु हसरंगा के रूप में नया नंबर वन गेंदबाज मिल गया है। श्रीलंका के हसरंगा ने साउथ अफ्रीका के तबरेज शमशी को पीछे छोड़कर नंबर एक की कुर्सी पर कब्जा जमाया है। वहीं बाबर आजम ने इंग्लैंड के डेविड मलान से नंबर एक की कुर्सी छीन ली है। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 के बीच में नंबर एक बल्लेबाज और गेंदबाज और ऑलराउंडर बदल गए। बल्लेबाजी में जहां बाबर आजम 834 अंक के साथ टॉप पर हैं, वहीं डेविड मलान 798 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर खिसक गए हैं। वहीं तबरेज शमसी 770 अंक, वहीं वरिंदु हसरंगा ने उन्हें पछाड़ दिया है। इसके अलावा ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी ने बांग्लादेश के शाकिबुल हसन को पीछे छोड़ दिया है। शाकिबुल हसन हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। अब बता दें, पाकिस्तान टीम टी20 विश्व कप की पहली ऐसी टीम बनी जिसने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। ग्रुप टू में पाकिस्तान ने 4 मैच खेले और चारों ही मैचों में उसने बड़ी जीत दर्ज करते हुए टी20 विश्व कप 2021 के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।